यहाँ पे बोट से जाना पड़ेगा? हाँ बोट से। कितना पैसा लेता है? 350 रुपये। एक आदमी का? एक आदमी, एक घंटा फोटो है, ऐसा घुमाता है। क्या बोलते हैं क्या इस जगह को? ये कोको बीच बोलते हैं। कोको बीच, कोको बीच। तो अभी हम आए गोवा के कोको बीच। बीच तो क्या इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये जो बोट्स जा रही हैं, ये सब डॉल्फिन व्यू के लिए यहाँ से बोट्स जाता है। और काफ़ी दूर समुंदर में डॉल्फिन का व्यू दिखाने के लिए सारी बोट पैसेंजर्स को ले जाती हैं। लेकिन वो डॉल्फिन पॉइंट काफ़ी दूर है और लगभग एक घंटे का टाइम लगता है वहाँ तक जाने में। और ये भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉल्फिन का व्यू मिल ही जाए, अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आपको डॉल्फिन्स दिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही समुंदर में घूम के आना होगा। तो इसलिए मैं ये टूर तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी दूर जाने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जो लोग डॉल्फिन व्यू में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो लोग एक कोको बीच आ सकते हैं। और कोको बीच से जो आपको मैंने बोट्स दिखाई, उन बोट्स के थ्रू डॉल्फिन व्यू के लिए जा सकते हैं। लगभग एक घंटे का ये टूर है और पर हेड 350 रुपये चार्ज है। फ़िलहाल आपको ये जो बीच है, बीच का व्यू भी अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बीच के किनारे नारियल के पेड़ का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और इसके अलावा ये जो आप दूर तक देख रहे हैं, ये जो राउंड शेप में पूरा बीच बना हुआ है, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बोट्स हैं यहाँ पे। इन बोट्स के थ्रू ही डॉल्फिन व्यू के लिए आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ का व्यू बढ़िया आ रहा है, आप देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये बीच है, छोटे छोटे पहाड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ आपको छोटे छोटे पहाड़ नज़र आएंगे और इन पहाड़ों से घिरा हुआ ये बीच है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है, वो मार्केट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गोवा के ट्रेडिशनल जो कपड़े वगैरह, हैट्स इत्यादि चीज़ें मिल रही हैं, वो काफ़ी सस्ते रेट्स पे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ सारी शॉप्स पे फिक्स्ड रेट ही है और ज़्यादा बारगेनिंग यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन ऑलरेडी रेट काफ़ी कम है। मौसम तो अच्छा सुहावना हो रहा है इस समय, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी, दिसंबर का समय है ये और काफ़ी प्लेजेंट वेदर हो रहा है इस समय यहाँ पे। हैट्स की इस तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि काफ़ी चीप रेट्स पे हैट्स सेल कर रही हैं। आई लव गोवा वाली टी शर्ट्स भी खूब बिक रही हैं, इनका रेट मैंने नहीं पूछा लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सस्ती होगी। ये स्टोन का है, स्टोन।
हमारा एक ही रेट सस्ता है ठीक है मेरे लगाओ आपकी फोटो और अभी हम लोगों ने भी गोवा हैट ले लिया है। ये वाला जो गोवा हैट आप मेरे सर पे देख रहे हैं ये मैंने 100 रुपए में लिया है, जबकि ये जो मेरी वाइफ ने लिया है ये 150 रुपए का लिया है। कितने की है? कौन सा खाएंगे बोलो सर। 20 का वरिंग बार है, चोकोबार है। कौन सी खाओगे? तो चोकोबार ही चाहिए। और वो मैंगो डॉली भी है? यस सर।